सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं। तो आज की वीडियो में हम आपको इस सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो यहां पर आपको करना क्या है कि आपको वीडियो को आपको शुरू से लेकर आपको लास्ट तक आपको देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को हम करते क्या है कि शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी लाइक। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में आपको क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन कीजिएगा तो इसमें आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट। जैसे आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट आप इसमें सर्च कीजिएगा, देखिएगा यहां पर माइक्रोसॉफ्ट का इस तरह का एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। यहां पर आपको इस वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने में इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको करना क्या कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में अगर आप सर्च किए होंगे तो यहाँ पर आपको अपना क्रोम ब्राउज़र को आपको डेस्कटॉप साइट में करना है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि ऊपर में देखिएगा थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, देखिएगा नीचे में डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा ब्राउज़र है डेस्कटॉप साइट में होके आ गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको इसमें करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पर देखिएगा नीचे में हमारे सामने में एक ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर कि नीचे में यहाँ पर चूज वेयर माइक्रोसॉफ्ट 365। तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने में देखिएगा काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने में दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट 365 यहाँ पर दोस्तों फैमिली का यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। देखिएगा तो यहाँ पर दोस्तों सालाना यहाँ पर आपको 6199 का यहाँ पर दोस्तों आपको चार्ज देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट 365 का यहाँ पर आप उपयोग कर पाएंगे। अगर दोस्तों, अगर आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट 365 अगर आप उपयोग नहीं करना चाहते तो यहाँ पर अगर आप फ्री वाला अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए करना क्या है कि आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, देखिएगा हमारे सामने में काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने में दिखाई देगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन दोस्तों हमारे सामने में यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर कि ऑफिस होम एस बिजनेस यहाँ पर 2021। उसके नीचे में यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर बाय नाउ का। तो यहाँ पर आपको बाय नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख लीजिएगा हमारे सामने में फिर से कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ देर आपको वेट करना है। वेट करने के बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर अगर आप ऑफिस अगर आप फ्री में अगर आप यहाँ पर उपयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फ्री का यहाँ पर दोस्तों कहीं भी आपको ऑप्शन नहीं दिया गया। यहाँ पर आपको इसमें दोस्तों आपको फाइनली आपको चार्ज इसमें आपको देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इसे समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आप इसमें उपयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। अभी भी यहाँ पर दोस्तों कहीं भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यहाँ पर दोस्तों फ्री का यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं यहाँ पर दिया गया है।